आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एनालिटिसिटी, द कंडीशन विच इज़ सफिशिएंट फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक, यानी किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के एनालिटिक फंक्शन होने के लिए कौन सी कंडीशन है जो कि सफिशिएंट कंडीशन होती है, हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एनालिटिसिटी। द थ्योरम इज, द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज, a function w is equal to u plus iv is analytic in a domain D if, ये कंडीशन दो अलग अलग पार्ट्स में है, कंडीशन के अंदर दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट ये है कि U एंड V आर डिफरेंशिएबल and satisfy ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. These two equations are known as Cauchy-Riemann equations, that is CR equations, which you people know already. And the second condition is all the partial derivatives, all the partial derivatives ux, vx, uy, vy are continuous in D. Continuous in D. So this is the theorem. चलिए पहले हम लोग theorem का statement क्या है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हमारा target होगा इस पूरी theorem को prove करना और derivation के साथ इस पूरी condition को समझना। तो what is the statement of the theorem? Theorem कहती है कि कोई function जो कि complex function होता है u plus iv, वो एनालिटिक होगा किसी डोमेन डी के अंदर इफ़ का मतलब कंडीशन। तो आप देख रहे हैं कि दो कंडीशंस का सेट है, अगर ये दोनों कंडीशंस कोई फंक्शन इनको फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन पक्के तौर पर एनालिटिक होगा। सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अवश्य ही वो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। तो पहली कंडीशन ये है कि जो हमारे फंक्शन के दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं u और v, वो दोनों ही डिफरेंशिएबल होने चाहिए। आपको पता है u और v जो है वो दो दो वेरिएबल के फंक्शन होते हैं, u जो है वो x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन होता है एंड v एज वेल इज़ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। तो जब दो दो वेरिएबल के फंक्शन हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज़ करना पड़ेगा। u के अंदर दो डेरिवेटिव होंगे, एक x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल यू बाई डेल एक्स को हम लोग यू एक्स कहते हैं, डेल यू और डेल वाई को हम लोग यहाँ पे यू वाई कह देते हैं। उसी तरह डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई, ये चार पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं और वो चार पार्शियल डेरिवेटिव्स इस तरीके से इन दो इक्वेशंस के रूप में सेटिस्फाइड होने चाहिए। और इस टॉपिक से पहले का प्रीवियस टॉपिक जो है जिसको हम लोग Cauchy-Riemann इक्वेशंस कहते हैं, यानी सी आर इक्वेशंस, जो कि इस टॉपिक से पहले पढ़ा जाता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सी आर इक्वेशंस जो हैं वो नेसेसरी कंडीशन के तौर पर जानी जाती हैं, नेसेसरी कंडीशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन। तो इसका मतलब जो सफिशिएंट कंडीशन है उसमें पहली कंडीशन तो हमारी सी आर इक्वेशंस वाली ही है, नेसेसरी वाली कंडीशन है,
और साथ में ये एक दूसरा इसमें क्लॉज और जोड़ दिया गया, तो ये दो कंडीशंस मिलकर के सफिशिएंट कंडीशन बन जाती है एनालिटिक फंक्शन होने के लिए। तो चलिए, थ्योरम का स्टेटमेंट आपने देख लिया है, अब हम लोग इसको प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, आपने इसको देख लिया है और उसके बाद हमें प्रूफ करना होगा इसका। थोड़ा सा बड़ा प्रूफ है इसलिए टाइम इसमें लगता है इसका प्रूफ पूरा समझने में, और ये वीडियो कम्प्लीटली इस थ्योरम को प्रूफ करने में हम लोगों का पूरा हो जाएगा। सो प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले हम लोग ये एजम्पशन ले लेंगे, लेट W इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक, दैट इज कि हमारा फंक्शन उन दोनों शर्तों को ओबे करता है, उनको फॉलो करता है। मतलब आपको ये बता दें कि जब किसी कंडीशन को सफिशिएंट कंडीशन के रूप में प्रूफ करना हो तो ये चीज़ हमेशा उल्टा की जाती है कि जो कंडीशन प्रूफ करनी है कि सफिशिएंट कंडीशन ये होनी चाहिए, एनालिटिक होने के लिए ये दो पॉइंट्स जो हैं फर्स्ट और सेकंड ये पूरे होने चाहिए, तो हम लोग उल्टा करते हैं। हम मान लेते हैं कि वो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं और उन दोनों को लेकर के चलते हैं और उनका यूज़ करके ही हम निकाल के दे देंगे कि हमारा फंक्शन अगर उन दोनों कंडीशंस को मान रहा है तो हमारा फंक्शन एनालिटिक है। तो ये हमेशा तरीका होता है किसी कंडीशन को अगर सफिशिएंट कंडीशन दिखाना है। तो सबसे पहले उन दोनों कंडीशन को ही मान लेंगे, लेट W इज इक्वल टू यू प्लस आई वी सेटिस्फाइज द CR इक्वेशंस दैट इज डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। इन्हीं को शॉर्टकट में लिखा जाता है, डेल यू डेल एक्स को यू एक्स लिख लिया जाता है, इसको यू वी वाई लिख दिया जाता है एंड इसको लिखेंगे हम लोग यू वाई और इसको लिखेंगे माइनस वी एक्स। तो इस चीज़ का नाम हम लोग कंडीशन फर्स्ट या इक्वेशन वन रख देते हैं, और दूसरा कंडीशन भी लिख देते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो चारों पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो कंटिन्यूस हैं, जो कि आपको याद होगा दूसरा पार्ट था कंडीशन का। एंड लेट द डेरिवेटिव्स यू एक्स वी एक्स UY, VY are all continuous, then यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूटी का एक क्राइटेरिया होता है जिसको यूज़ करेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू यू एक्स डेल्टा एक्स प्लस यू वाई डेल्टा वाई प्लस अल्फा डेल्टा एक्स प्लस बीटा डेल्टा वाई एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एक्स डेल्टा एक्स प्लस वी वाई डेल्टा वाई प्लस अल्फा वन डेल्टा एक्स प्लस बीटा वन डेल्टा वाई। डेल्टा यू को इस तरीके से लिखा जाएगा, डेल्टा वी को इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया होता है कंटिन्यूटी का। जबकि अभी हम इसमें नीचे एक कंडीशन और ऐड करेंगे कि वेयर अल्फा बीटा अल्फा वन बीटा वन ऑल टेंड टू ज़ीरो एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एंड डेल्टा वाई टेंड्स टू ज़ीरो, या इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई टेन टू ज़ीरो। अगर इस कंडीशन के साथ ये जो ऊपर हमने इक्वेशंस लिखी हैं
ये चीज़ लिखी जाती है, तो इसको क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपना जो डेरिवेटिव है W का डेरिवेटिव Z के रिस्पेक्ट में, यानी dW by dZ, उसके लिए एक्सप्रेशन तैयार करेंगे, विच इज नाउ डेल्टा W अपॉन डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा W को डेल्टा U प्लस I डेल्टा V लिखा जाएगा। जो W है ना उसमें आप डेल्टा लगा दीजिए, दोनों जगह डेल्टा लग जाएगा। और डेल्टा Z क्या होता है? डेल्टा X प्लस I डेल्टा Y होता है। Z होता है X प्लस आई वाई, जिसके आगे डेल्टा यदि आप लगा देंगे तो डेल्टा X प्लस आई डेल्टा वाई बन जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये जो हमारा डेल्टा U प्लस आई डेल्टा वी आई वी है, इसका हम अलग से थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। इसको इक्वेशन टू दे देते हैं, उसके बाद ना इसको हटा करके फिर आगे का काम शुरू करते हैं। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, इस चीज़ का, डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू का भी हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था, यू एक्स डेल्टा एक्स प्लस यू वाई डेल्टा वाई प्लस अल्फा डेल्टा एक्स प्लस बीटा डेल्टा वाई और आई टाइम्स डेल्टा वी मीन्स वी एक्स डेल्टा एक्स प्लस वी वाई डेल्टा वाई प्लस अल्फा वन डेल्टा एक्स प्लस बीटा वन डेल्टा वाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा करिए, सिमिलर टर्म, जैसे इन दो टर्म से हम डेल्टा एक्स कॉमन ले लें तो बनेगा यू एक्स प्लस आई वी एक्स इन कॉमन डेल्टा एक्स। उसी तरीके से यहाँ से हम डेल्टा वाई कॉमन कर लें तो यू वाई प्लस आई, ये आई साथ में आ जाएगा, आई वी वाई डेल्टा वाई प्लस, इसी तरह इन दो टर्म्स में से डेल्टा एक्स कॉमन करिए तो अल्फ़ा प्लस आई अल्फ़ा वन डेल्टा एक्स प्लस बीटा प्लस आई बीटा वन डेल्टा वाई। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, CR इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जैसे ये दोनों डेरिवेटिव x में हैं तो ये दोनों डेरिवेटिव भी y से कन्वर्ट करके x में लाने हैं। तो ux प्लस आई वी एक्स, ये टर्म्स तो ठीक है, इसमें हम अपनी CR इक्वेशंस का यूज़ कर लें। आपको पता है uy जो है ना वो किसके बराबर होता है, CR इक्वेशंस में लिखा था हमने, ux इज इक्वल टू वी वाई होता है और uy इज इक्वल टू माइनस वी एक्स होता है, और ये जो वी वाई होता है ये सीधे ux के बराबर होता है। इसमें हमने इक्वेशन वन का यूज़ किया है डेल्टा वाई, और यहाँ एक चेंज और कर लेते हैं कि इस चीज़ को हम अल्फ़ा डैश मान लेते हैं और इस चीज़ को हम बीटा डैश, इनका नया नाम रख लिया जाता है, अल्फ़ा डैश डेल्टा एक्स प्लस बीटा डैश डेल्टा वाई, ठीक है। और इसमें यहाँ पर साइड में लिख देंगे कि हमने इक्वेशन वन का यूज़ किया है, यूजिंग इक्वेशन वन, यहाँ पर हमने इक्वेशन वन यानी सी आर इक्वेशन का यूज़ किया है। अब इसमें काम करिए, आई कॉमन करके इस ब्रैकेट से आप बाहर निकालिए, यू एक्स प्लस आई वी एक्स, थोड़ी बड़ी और थोड़ी सी कम्बरसम ये कंडीशन है इसका प्रूफ जो है, तो आई बाहर लेंगे हम लोग तो यू एक्स हमारा फ्री हो जाएगा और यहाँ माइनस वन अपान आई आएगा जो कि प्लस आई में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा वाई अल्फ़ा डैश डेल्टा एक्स प्लस बीटा डैश डेल्टा वाई। और इसके बाद एक काम करते हैं, देखिए हमारा ये इतना पोर्शन जो है दोनों जगह कॉमन हो गया है, तो यू एक्स प्लस आई वी एक्स
इसको हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा डेल्टा एक्स प्लस, इसमें मैंने आई को बाहर निकाला था तो यहाँ एक आई भी आ जाएगा, यहाँ से बचा डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, और ये दो टर्म्स अलग चलेंगे, डेल्टा अल्फा डैश डेल्टा एक्स प्लस बीटा डैश डेल्टा वाई। यहाँ तक आ जाने के बाद हम लोग ये कैलकुलेशन किसका कर रहे थे, डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा वी का कर रहे थे, तो हम अपनी ओरिजिनल कंडीशन टू में आ जाते हैं और इस चीज़ को ला करके यहाँ पुटअप कर देते हैं। ठीक है, अब वापस अपने ओरिजिनल उसमें आ रहे हैं। इक्वेशन टू के लिए हमने इस न्यूमरेटर के लिए अलग से इतना काम किया। ठीक है, अब हम लोग इसमें या सीधे वैल्यू रखने के बजाय ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा वी ये चल रहा था, अब इस चीज़ से डिवाइड कर लीजिए डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई से। तो देखिए ये हमारा डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा वी तो ऊपर है, डिवाइड होने पर ये चीज़ नीचे आ जाएगी, तो ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वेशन टू वाला जो है बन जाएगा। तो हम इस चीज़ से डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई से, तो डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, और डिवाइड करने पर इधर बचा यू एक्स प्लस आई वी एक्स, और ये डिवाइड करने पर भाई इस डिवाइड किया तो इस चीज़ से तो ये कट गया, लेकिन इसके नीचे डिवाइड में लग जाएगा अल्फ़ा डैश डेल्टा एक्स प्लस बीटा डैश डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। ये हमने डिवाइड किया इस क्वांटिटी से, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई से हमने डिवाइड किया। यहाँ तक आ जाने के बाद इस चीज़ का ही नाम हमने क्या रखा हुआ था, डेल्टा डब्लू बाई डेल्टा जेड, ये बना यू एक्स प्लस आई वी एक्स प्लस, और इस चीज़ को हम डेल्टा जेड लिख देंगे यहाँ पर, अल्फ़ा डैश डेल्टा एक्स प्लस बीटा डैश डेल्टा वाई, और इसका नाम आप जानते हैं डेल्टा जेड होता है, तो इसको हमने डेल्टा जेड लिख दिया। अब आगे कुछ इसमें चेंजेस होने हैं, तो यहाँ तक आ जाने के बाद हमें चूँकि इतनी बड़ी कंडीशन है कि ये एक बोर्ड में एक बार में एक फ्रेम में नहीं समा सकती है पूरी, दैट्स वाई मुझे इसको बार बार हटा करके आगे बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि इसका कैनवास जो है इस थ्योरम का वो बहुत ही वाइड है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से देख लिया होगा, अगर कम ध्यान में आता है तो आप रिपीट करके रिप्ले करके इसको दोबारा से देखिएगा, दो बार एटलीस्ट देखेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, उसके बाद हम इसको मिटा करके ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जगह यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो कम है। तो इस यहाँ तक आने के बाद जो है हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, जो कंडीशन पहले तैयार की गई हैं उनका यूज़ आगे चल के करना होगा हमको। तो हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, इसको भी हम आगे लिख देते हैं। हमने अब तक जो है बना लिया है डेल्टा डब्लू अपॉन डेल्टा जेड को हमने बनाया है यू एक्स प्लस आई वी एक्स, और क्या बनाया है अल्फ़ा डैश डेल्टा एक्स प्लस बीटा डैश डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब देखिए आगे इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। हम ये जो क्वांटिटी है हमारी इसको हम इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, डेल्टा डब्लू बाई डेल्टा जेड माइनस यू एक्स प्लस आई वी एक्स, इसको इस तरफ ले आए, इधर सिर्फ इसको रहने दिया, अलग अलग डिवाइड कर लीजिए अल्फ़ा डैश डेल्टा एक्स बाई डेल्टा जेड प्लस बीटा डैश डेल्टा वाई बाई डेल्टा जेड। और अब यहाँ कुछ बड़े बारीक चेंजेस करने होंगे, अब इसके आगे जितने स्टेप्स हैं उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे कि अब कुछ चीज़ें आपको समझनी है यहाँ पर, कि ये जो हमारा यू एक्स प्लस वाई आई वी एक्स है, इसको हम एक दूसरे रूप में लिख सकते हैं, कैसे, यू एक्स का मतलब होता है डेल यू बाई डेल एक्स, आई वी एक्स का मतलब होता है डेल वी बाई डेल एक्स, इफ़ वी टेक डेल वाई डेल एक्स एज कॉमन वी गेट इन ब्रैकेट यू प्लस आई वी, एंड यू नो यू प्लस आई वी इज़ नथिंग बट डब्लू, सो इट कैन बी रिटन एज डेल बाई डेल एक्स ऑफ डब्लू, एंड दिस डब्लू विल बी रिटन हेयर बिसाइड दिस डेल साइन डेल डब्लू बाई डेल एक्स।
तो यू एक्स प्लस आई वी एक्स को हम डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। लेट्स रिप्लेस दिस ओवर हियर, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू दिस मच, अल्फा डैश डेल्टा एक्स बाई डेल्टा जेड प्लस बीटा डैश डेल्टा वाई बाई डेल्टा जेड। नाउ वी टेक मॉडुलस ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का मॉडुलस लिया, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इधर का भी मॉडुलस हो जाएगा, अल्फा डैश डेल्टा एक्स बाई डेल्टा जेड प्लस बीटा डैश डेल्टा वाई बाई डेल्टा जेड। और अब हमें आगे कुछ ट्रायंगल इनइक्वालिटी वगैरह जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका यूज़ करना होगा, हम साइड में उनको एक्सप्लेन करेंगे और इधर एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ पर एक इनइक्वालिटी हम यूज़ करने जा रहे हैं जिसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक इनइक्वालिटी बहुत फेमस है कि मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू, और आप लोगों को पता होगा कि ये कंडीशन क्या कहलाती है, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जिसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप लोगों को ज़रूर पता होगा। ज्योमेट्रिकली ये चीज़ डिनोट करती है कि ट्रायंगल की कोई भी एक साइड जो है उसका मैग्नीट्यूड बाकी दो साइड्स के सम से हमेशा छोटा होता है। लाइक अगर दो साइड्स हैं ट्रायंगल की जिसमें से एक की लेंथ मॉड जेड वन है और दूसरी की लेंथ मॉड जेड टू है, तो तीसरी साइड की लेंथ बनेगी जाहिर है मॉड जेड वन प्लस जेड टू, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का बिहेवियर काफ़ी हद तक वेक्टर के जैसा होता है। और इस तरीके से ये थर्ड साइड हो गई ट्रायंगल की, और एनी वन साइड इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग इसमें करेंगे अगर, तो यहाँ इक्वलिटी से ये लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम होता है तो ये मॉडुलस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पर अलग अलग लगा दिया जाता है और इनइक्वलिटी ये आ जाती है। तो यहाँ मॉडुलस हम इस पर लगाएंगे, यहाँ बहुत सारा रॉ मटेरियल हम आपको अलग से समझा दे रहे हैं कि ये दरअसल मॉडुलस इस पर आएगा इस पूरे पर, और फिर और दूसरा मॉडुलस इस पर आएगा। लेकिन अगर एक मॉडुलस के अंदर कई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिखे हों तो वो सारे मॉड अलग अलग हो जाते हैं, मतलब प्लस या माइनस बीच में है, तब तो इस तरीके से ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे आप। लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बंच है और उस पर मॉड लगा दिया गया तो वो सारे मॉड अलग अलग उसी बिल्कुल फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मॉड जो है वो अलग अलग सब पर लगता है। तो यहाँ पहले तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी कारण इसका मॉड और इसका मॉड अलग अलग आएंगे, बीच में प्लस साइन आएगा। लेकिन जो इसमें भी तो कई सारी चीज़ें हैं ना, तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनके मॉड अलग अलग आप इस प्रॉपर्टी के तहत यूज़ कर दें। तो एक मॉड आएगा अल्फ़ा डैश का और एक मॉड हम इंटैक्ट रखेंगे इन दो चीज़ों को, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा जेड। हर चीज़ का अपना मीनिंग है, आगे बढ़ते जाइए तो आपको हर चीज़ का मीनिंग समझ में आता जाएगा। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड, ठीक है। इस तरीके से ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज़ किया, फिर उसके अंदर हमने इस तरीके से स्प्लिट किया चीज़ों को। और अब आगे हमारी कंडीशन क्या है कि इसमें यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी होगी कि डेल्टा एक्स अगर ये होता है और डेल्टा वाई अगर ये होता है तो ये चीज़ हमारी डेल्टा जेड कहलाती है, क्योंकि जेड बनता है एक्स प्लस आई वाई से इस तरीके से। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो हाइपोटेनस होती है वो बेस और परपेंडिकुलर से हमेशा ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसके बेसिस पे ये देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा जेड, तो इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड जो है इसका मॉड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू वन होगा, ठीक है। इसी तरीके से डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड को भी लेस देन इक्वल टू वन कहा जा सकता है, यानी ये दोनों चीज़ें जो हैं इंडिविजुअल, ये चीज़ लेस देन इक्वल टू वन होगी और ये चीज़ भी लेस देन इक्वल टू वन होगी। तो जब एक के बाद दूसरी इनइक्वलिटी आती है तो वो लेस देन मेंटेन रहेगा। अगर आप कहते हैं एक्स इज़ लेस देन वाई एंड वाई इज़ लेस देन जेड,
तो इसका मतलब हो जाता है ट्रांजिट कर जाएगा कि x इज लेस देन जेड। तो दिस इज लेस देन दिस एंड दिस इज लेस देन वन, तो इसकी जगह हम अगर वन रख देते हैं तो हमारा ये जो लेस देन इक्वल टू की इनइक्वलिटी है ये आगे ट्रांजिट करेगी, नेक्स्ट स्टेप में भी चली जाएगी। तो ये चीज़ तो वन हो गई और इसकी जगह भी वन रख दिया, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब फाइनली हमारा स्टेटमेंट बन गया मॉड ऑफ डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा डैश प्लस मॉड ऑफ बीटा डैश। नाउ अब देखिए इन चीज़ों को तो हटाना पड़ेगा कि चीज़ें केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई गई। चलिए बाकी की कंडीशंस को हम इधर एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ तक आ जाने के बाद आगे अभी इनइक्वालिटीज़ का सिलसिला यहीं पे रुकना नहीं है, वो आगे और जाएगा। कैसे जाएगा कि जो इनइक्वालिटी अभी हमने लगाई थी इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर, वही अब अल्फ़ा डैश और बीटा डैश पर लगेगी। सिंस हमने स्टार्टिंग में अल्फ़ा डैश किसे माना था, अल्फ़ा प्लस आई अल्फ़ा वन को माना था, और बीटा डैश हमने किसे माना था, बीटा प्लस आई बीटा वन को माना था। तो अब इस पर अगर हम लगा दें अपनी ट्रायंगल इनइक्वालिटी कि मॉड ऑफ अल्फ़ा डैश का मतलब होगा मॉड ऑफ अल्फ़ा प्लस आई अल्फ़ा वन, और ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अनुसार लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा वन, ठीक है ना, क्योंकि मॉड ऑफ आई अल्फ़ा वन जो करोगे तो आई का मॉड वन होता है, इसलिए वो मॉड ऑफ अल्फ़ा और मॉड ऑफ अल्फ़ा वन ही बचेगा, आई का मॉडुलस तो वन हो जाता है। यानी उसी टाइप की ट्रायंगल इनइक्वालिटी इस अल्फ़ा डैश में भी और इस बीटा डैश में भी लगा दीजिए। तो अल्फ़ा डैश लेस देन इक्वल टू दिस दिस हुआ, एंड बीटा डैश लेस देन इक्वल टू मॉड बीटा प्लस मॉड बीटा वन। इन चीज़ों को हम आगे इसमें यूज़ करें अगर, तो हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी और आगे बढ़ती है और ये चीज़ आती है डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स इज लेस देन इक्वल टू। देखिए सारी इनइक्वालिटी लेस देन ही चल रही है, क्योंकि कहीं भी ग्रेटर देन या कोई दूसरी इनइक्वालिटी नहीं आ रही है। जो लॉजिक मैंने बताया कि x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z, तो x इज लेस देन z हो जाता है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ लिख रहे हैं, दूसरी चीज़ जो है तीसरी चीज़ से लेस देन होती जा रही है, इसलिए ये लेस देन का जो एक सीक्वेंस है ये मेंटेन चल रहा है। तो लेस देन अब ये मॉड ऑफ अल्फा डैश, चूँकि हमने दिखाया मॉड ऑफ अल्फा डैश लेस देन दिस दिस है, तो इसकी जगह में ये दो चीज़ें तोड़ के लिख दीजिए, मॉड अल्फा प्लस मॉड अल्फा वन और मॉड बीटा प्लस मॉड बीटा वन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर शुरू में कंडीशन बताए थे कि ये अल्फ़ा अल्फ़ा वन बीटा वन सारे टेंड टू ज़ीरो होते हैं अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई हमारे टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएं, तो उस लिमिट का यूज़ अब हम इस जगह पर करने जा रहे हैं। व्हेन डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो, अब डेल्टा जेड के अंदर दोनों चीज़ें हैं, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई से मिलकर के ही डेल्टा जेड बनता है, तो डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो होने का मतलब है कि डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बोथ टेंड टू ज़ीरो। और हमने शुरू में बिल्कुल लिखा था कि जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई टेंडिंग टू ज़ीरो होंगे तो ये सारे जो हमने ये कॉन्स्टेंट्स को अपनी एजम्पशन में माना था अल्फ़ा अल्फ़ा वन बीटा वन, दीज ऑल विल ऑल्सो टेंड टू ज़ीरो। तो हमने ये लिमिट लगा दी तो ये सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी, तो राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जब हमने ये कंडीशन इम्पोज कर दी तो ये सारी चीज़ें टेंड टू ज़ीरो हो जाएंगी, तो चारों ज़ीरो होने के कारण राइट हैंड साइड पूरा ज़ीरो हो जाएगा। देन और इधर जो होगा ना ये डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा जेड के आगे, भाई ये टेंडिंग टू ज़ीरो लगाने का मतलब होता है कि हमने लिमिट लगा दी, हमने लिमिट ले ली, तो यहाँ पर लिमिट लग जाएगी, लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड माइनस, सिर्फ जहाँ डेल्टा जेड है वहीं पर ये लिमिट लगेगी, ये चीज़ लिमिट से फ्री है, इस पर लिमिट नहीं लगानी है, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स मॉड के अंदर ये लिमिट हमने ऐसे लिख दी और लेस देन इक्वल टू इन सब की जगह ज़ीरो आ गया, क्योंकि ये कंडीशन हमारी थी। इसको हम एक्सप्लेन फिर से कर दें कि इसका कारण ये है कि अल्फ़ा अल्फ़ा वन बीटा बीटा वन ऑल टेंड टू ज़ीरो एज
डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई टेन टू ज़ीरो, ये चीज़ हमने पहले लिख दी थी, दोबारा रिमाइंड करने के लिए हम लिख रहे हैं सिर्फ। और अब ये चीज़ आ गई फाइनली, इधर देखिए ज़ीरो हो गया। अब मुझे एक बात आप बताएं कि मॉडुलस एक ऐसी चीज़ होती है जो ऑलवेज़ पॉजिटिव होती है, आप जानते हैं मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मॉड इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो भैया ऐसा है कि मॉड जो है वो लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो का मतलब नेगेटिव होता है, तो मॉडुलस लेस देन ज़ीरो तो नहीं हो सकता, मॉड लेस देन ज़ीरो तो नहीं हो सकता। तो ये लेस देन ज़ीरो वाली जो बात है ये खारिज हो जाती है, एक ही कंडीशन रह गई कि मॉड जो है इनमें से इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, मॉडुलस ज़ीरो के बराबर तो हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, किसी चीज़ का मॉड या तो ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसमें से जो लेस देन वाली कंडीशन है ये रूल्ड आउट हो गई, केवल इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन बच गई। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि दिस मॉडुलस, और आपको मालूम है कि जब ये डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड के आगे लिमिट लग जाती है तो यही चीज़ डेरिवेटिव यानी डी डब्ल्यू बाई डी जेड बन जाती है। आपको डेरिवेटिव का बेसिक मीनिंग तो पता होगा ना, कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जब लिमिट लगा देते हैं तो जो डेल्टा होते हैं वही डी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस तरह से आपका जो डेरिवेटिव होता है डिफरेंशियल उसकी डेफिनेशन बनती है। तो ये लिमिट लग जाने के बाद अब ये हमारा डी डब्ल्यू बाई डी जेड हो गया, और ये डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, जैसा कि बताया कि मॉडुलस लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकता इसलिए इक्वल टू ज़ीरो होगा। और किसी चीज़ का मॉड अगर ज़ीरो है तो वो चीज़ खुद भी ज़ीरो होगी, क्योंकि ज़ीरो का ही मॉड ज़ीरो होता है, किसी नॉन ज़ीरो चीज़ का मॉडुलस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर मॉड ऑफ दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो ये जो अंदर मॉड के अंदर की चीज़ है ये खुद किसके बराबर होगी, ज़ीरो के बराबर होगी। इसका मतलब अब आप इस मॉड को हटा दीजिए, और फाइनली वी हैव कम टू अ स्टेज व्हेन वी हैव गॉट समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट कंडीशन अंडर द चैप्टर ऑफ एनालिटिक फंक्शंस। तो अब आते हैं इसके आगे, फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं। डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, और ये जो डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स है इसको कुछ स्टेप्स पहले, कुछ देर पहले हम लोगों ने इस चीज़ को यू एक्स प्लस आई वी एक्स, इसी चीज़ को हमने इसके बराबर लिख के दिखाया था। तो वापस इसको वैसे ही पुराने फॉर्म में लिख लेते हैं, और अब यहाँ ये कंडीशन लिखेंगे कि हमने एजम्पशन में फर्स्ट पॉइंट में माना था कि हमारे जो u और v हैं वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, अगर u और v डिफरेंशिएबल होंगे तो उनके जितने पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो सब भी डिफरेंशिएबल होंगे, और ux और vx ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ux एंड vx एग्जिस्ट, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है इसका मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो ये डेरिवेटिव्स हैं ux और vx। अब चूंकि ux और vx एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन दोनों से मिलकर जो ये पूरा बन रहा है यानी dw/dz, ये हमारा ये भी एग्जिस्ट कर गया। अगर ये दोनों अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन यानी dw/dz भी एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफोर dw/dz also exists, और कोई डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है इसका मतलब कि हमारा फंक्शन W जो है वो डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है अर्थात वो एनालिटिक भी है, ठीक है। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि W इज़ एनालिटिक। अब यहाँ चैप्टर की स्टार्टिंग में जब आप एनालिटिक फंक्शंस पढ़ते हैं तो आपको वहाँ क्लियर कराया जाता है कि एनालिटिक होने में और डिफरेंशिएबल होने में एक लिटिल सा डिफरेंस होता है, ठीक है। उस डिफरेंस की बात अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर डिफरेंशिएबल होना ही एनालिटिक होना है, और एनालिटिक है तो उसका मतलब डिफरेंशिएबल होना भी होता है, ठीक है। एक लिटिल सा बारीक सा डिफरेंस होता है जिसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे इस जगह पर। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया इसका मतलब W हमारा एनालिटिक हो गया डी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सफिशिएंट कंडीशन जो है प्रूव हुई। सफिशिएंट कंडीशन जब भी प्रूव करनी होती है तो उल्टा प्रूव करी जाती है, यानी क्वेश्चन थ्योरम क्या थी, ध्यान दीजिए, थ्योरम में था कि W U प्लस IV इज़ एनालिटिक इफ़ दीज टू कंडीशंस होल्ड। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि वो दोनों कंडीशन हमारी होल्ड करती हैं, और उन दोनों कंडीशंस से हमने ड्रॉ करके दिखा दिया कि W इज़ एनालिटिक। यानी अगर उनसे W एनालिटिक आपने दिखा दिया इसका मतलब वो दोनों इक्वेशंस अपने आप में पर्याप्त हैं इस बात को शो करने के लिए कि वो फंक्शन एनालिटिक है, इसीलिए ऐसी कंडीशन को सफिशिएंट कंडीशन कहा जाता है। तो देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ था,
और इस तरीके से हमने पूरा सारे स्टेप्स अंदर की एक एक चीज़ को क्लियर कराया है। आप इसको दो बार एटलीस्ट प्ले करके इसको नोट कर लीजिएगा और इसको कई बार एटलीस्ट दो बार प्ले करके पूरा हर एक चीज़ को देखिएगा, क्योंकि कई बार एक बार में इतनी डीप जो थ्योरी है वो समझ में कम आती है, तो उसको रिपीटेडली कई बार देखना पड़ता है। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो जो लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना चाहते हों या आपके फ्रेंड्स हों या जो भी जिनको इसकी ज़रूरत हो, उनको आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को।